अगर आपका भी मन कर रहा है मेरी तरह कुछ चटपटा खाने का तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए झटपट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया एक पैन। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जितना देसी घी डाल रहे हैं। जैसे ही घी हमारा हल्का सा गर्म हो जाए, अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट करेंगे। यहाँ मैंने लिए हैं मगर, साथ ही लिए हैं 7 से 8 बादाम, 1 टेबलस्पून जितना जीरा, 10 से 15 यहाँ पे मैंने मखाने लिए हैं, साबुत लाल मिर्च ली है। साथ ही में इसमें मैं डाल रही हूँ 7 से 8 लहसुन की कलियां। इन सभी को हमने घी में हल्का सा रोस्ट कर लेना है, जिससे इसके अंदर एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। बहुत ही बढ़िया सी इसमें खुशबू आ रही है, ये रोस्ट हो चुके हैं। अब आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इन्हें ठंडा करके दरदरा पीस लीजिए। यहाँ मैंने ले लिया एक अलग कढ़ाई। अब हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। यहाँ मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रही हूँ। जैसे ही ऑयल हमारा हीट करेगा, अब हम इसमें कुछ साबुत मसाले डाल रहे हैं। ये कौन कौन से मसाले मैं डाल रही हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। साथ ही एक तेज पत्ता भी ऐड कर रहे हैं हम इसमें। मसाले हमारे भून चुके हैं। यहाँ मैंने लिए हैं कुछ कटे हुए प्याज, इसे डालेंगे। अब इसे डालने के बाद हमने इसे तब तक भूनना है जब तक हमारे जो प्याज हैं वो लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। अनियन हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें सीजनिंग करेंगे। यहाँ 1 टेबलस्पून जितना मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मैं 1/2 टेबलस्पून जितनी टर्मरिक पाउडर डाल रही हूँ। अब कलर को और टेस्ट को और बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं रेड चिली का यूज कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून जितना सूखा धनिया पाउडर डाल रही हूँ। सूखा धनिया मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून जितना भुने हुए जीरे का पाउडर। अब इसे डालने के बाद हमने प्याज के साथ ही इसे अच्छे से भून लेना है, जिससे मसालों का जो फ्लेवर है वो इनहेंस हो जाए। बहुत ही बढ़िया सी रंगत आ गई है इसमें। अब यहाँ पे मैंने 1 kg जितना चिकन लिया है, इसे डालेंगे। इसे मैंने अच्छे से 3 से 4 बार वॉश कर लिया था। अब इसे डालने के बाद एक बार आपने मिक्स कर लेना है इसे। बढ़िया ढंग से मसाले के साथ ये मिक्स हो गया है। अब हमने 15 मिनट तक इसकी तेज आंच पर भुनाई करनी है। बिना ढके ही हम इसे भुनेंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा काफी हद तक भून चुका है। अब इस स्टेज पे यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून जितना जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ। साथ ही में यहाँ पे मैं टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ, इसे मैंने घर पे ही पीसा था। अब इसे डालने के बाद हमने 10 मिनट इसकी और भुनाई करनी है, जिससे अदरक लहसुन और टमाटर अच्छे से पक जाएं और इनकी कच्ची स्मेल जो है वो दूर हो जाए। टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से पक चुका है, इसकी कच्ची जो स्मेल थी वो भी जा चुकी है। टोटल हमने अब तक 20 से 25 मिनट तक इसे बिना ढके ही भुना है। जितनी बढ़िया भुनाई होती है उतना ही चिकन बनाए या हम मटन बनाए उसमें फ्लेवर और अच्छे से आता है। अब इस स्टेज पे यहाँ पे मैं 1/2 कप जितनी दही डाल रही हूँ। दही में मैं उस मसाले को डाल रही हूँ जो हमने घी में रोस्ट करके पीस लिया था दरदरा। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स हमने कर लिया है दही और अपने मसाले को। अब 10 मिनट के लिए हम इसे ढककर पकने देंगे, या तब तक जब तक हमारा चिकन जो है वो पूरी तरह से ना गल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं अपने चिकन को। वाह, कितना बढ़िया सा ये लग रहा है ना, क्या बढ़िया सा इसमें रोगन आया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करने से पहले इसमें 1 टेबलस्पून जितना गरम मसाला डाल रही हूँ। साथ ही टेस्ट को और बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून जितनी रोस्टेड कसूरी मेथी डाल रही हूँ। इसे डालने के बाद आप मिक्स कर लीजिए और गैस का फ्लेम ऑफ कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया ढंग से देखिए हमारा जो ये चिकन है वो रेडी हो चुका है। इसे आप रोटी, पराठा, नान या राइस के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए।